नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करुच्छे। ममिता मेहर हत्या मामलें विरोधी आंदोलन तीव्र हो राजधानी राजरास्त गठी बीजेपी रास्ता कोल्हे बीजेपी युवमोर्चा भुवनेश्वर डीसीपी अफिस् घेराव कर दल मंत्री दिव्यशंकर मिश्र बहिष्कार और गिरफ दावी विक्षोभ प्रदर्शन तेरे डीसीपी अफिस् आगे पुलिस बीजेपी कर्मी धस्ताधस्ती होते यहां किसी बीजेपी कर्मी को उठाई नहीं पुलिस चेता भांगुनी तांकर एवं जो माने जी शासनर मुख्य आखिरे कला कना बुलिया जाइछि आखिरे कला कना बांधि नवीन निवास रे निसारे सोइचंती मुख्यमंत्री भारतीय जनता युव मोर्चा चेतै दबा को आसुची ए अन्याय आउ बेसी दिन नुह माँ भौणीकर जो माने अन्याय करिचंती अत्याचार करिचंती अतीतरे मध्ये तार प्रमाण अछि आज मध्ये तार प्रमाण को आमे दोहरौछु आउ अल्प समय तम सरकार जो माने माँ भौणीकर इज्जत नहीं तुरंत मंत्री को बहिष्कार करंतु एवं गिरफ करंतु नचे ए आंदोलन पूरा पूरापल्ली की जीव समस्त लोकों सहायतार ए सरकार को बंगोप सागर फिंगा जीवंतु। कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र ममिता मेहर हत्याकांड अपहरण में पूरा पूरी सीधा सड़क संपृक्ति अच्छी युव मोर्चा सारा राज्य में एसपी अफिस् घेराव करुच्ची आमर दाबी अच्छी जे कैप्टेन दिव्यशंकर तुरंत इस्तफा करा जाओ तांको गिरफ करा जाओ तांको न्यायिक परिसर मध्य को निया जाओ जे पर्यंत कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र को गिरफ न करा गला जे पर्यंत इस्तफा न दिया गला जे पर्यंत ताको न्याय परिसर भीतर न आना गला युव मोर्चा तार लड़ाई जारी रखिबो सारा राज्य में एसपी अफिस् घेराव होची आज से क्रम आम भुवनेश्वर डीसी अफिस् घेराव करुचु कहीं नवीन बाबू धूतराष्ट्र पलटि कहीं सही कहीं कांड घटू ताकि चिया पशुनि जेपर्यंत न हो युव मोर्चा लड़ाई कर लड़ाई 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 हम। ब्रह्मपुर में बीजेपी पक्ष जोरदार विक्षोभ कर घुमुसर बीजेपी रे शताधिक कर्मी रास्ता कोल्हे विक्षोभ करते बीजेपी कर्मी माने शोभायात्रा रे एसपी ऑफिस पर्यंत जाते सेठे बीजेपी पक्ष विक्षोभ कर ममिता मेहर मर्डर मामला आज बीजेपी पक्ष 12 घंटिया नुआपड़ा बंद पालन कर जिलाव्यापी बंद पालन कर 353 नंबर जातीय राजपथर 5टी स्थान में रास्ता अवरोध करते बीजेपी कर्मी दोकान बजार बंद रही बेले सरकारी अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रही तेज अत्यावश्यक सेवा को बात दिया। ममिता मेहर हत्याकांड मामलें उपयुक्त तदंत दाबी सह घटनार सीबीआई तदंत दाबी और गृहराष्ट्रमंत्री बहिष्कार दाबी कर कलाहांडी जिला मोहाली संचायत स्कूल अध्यक्ष ममिता बेहर हत्या घटना को नहीं सारा राज्य में एवं असंतोषर निया चलुचे हत्याकांडर मुख्य अभियुक्त को फाँसी दंडादेश गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र संपृक्ति को नहीं जोर धरी प्रतिवाद मंत्री इस्तफा दाबी सह घटनार तदंत भार सीबीआई को देवाक विभिन्न दल और संगठन पक्ष दावी होती तेज यार प्रतिवाद में आज सुवर्णपुर जिला बीजेपी पक्ष जिले में 12 घंटिया बंद डाकरा दिया फल दुकान बजार सरकारी बेसरकारी प्रतिष्ठान सह गाड़ी मोटर संपूर्ण भाव बंद रहा बिल्कुल बंद रभार संपूर्ण रूपे सफल होती बंदटा सफल होती आज बीजेपी तरफ बंद डाकरा आज केसरिया हिंदू बाहन से समर्थन कर सका सब दुकान बजार ऑफिस अमला रास्ता घाट सब बंद अच्छी सुनसान अच्छी आज ममिता को न्याय नदे पर्यंत एमती बंद चली रो आंदोलन आगे आगे तीव्र हे आदि सीबीआई तदन न कराए आम बीज रास्ता को रास्ता उपरक ओल्लैबु आईन अमान्य आंदोलन करूँ और उथल पुथल करदेबू बीजेडी सरकार को देखो आज्ञा आम पिलाटे दिन देखा देखी आस नवीन बाबू सब बेले कहते आईन ता बाटर जीव बर्तमान आईन कुआडे कुआडे जाउछि आईन रो बाट कौ पटे दिव्यशंकर मिश्र फेरार हो जाती निरंजन पूजारी पता मिलूना प्रताप जेना किसी कहू ना नवीन बाबू भितर कोरापुट रे भी ममिता तापी एसपी ऑफिस भितर को धसई पसिले बीजेपी कर्मी कोरापुट रे बीजेपी जिला युव मोर्चा पक्ष विक्षोभ प्रदर्शन करा जाय छे शिक्षयित्री ममिता मेहर को अपहरण और जाली दे हत्या करने घटन संप्रक्त मंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा और गिरफ दावी कर कोरापुट युव मोर्चा जिला बीजेपी गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दावी भारतीय जनता पार्टी पक्ष गजपति एसपी अफिस् घेराव कर महालिंग सनसाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्ष ममिता मेहर हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू को फांसी
ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଏକ ନୂଆ ଟିମ୍ ଆଜି ଝରଣୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଆଇସିସି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ଲା କୁମାର ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଣଦୀପ ସୁରେଜୱାଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମମିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାହା କରାଯିବ। ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆଜି ଝିଅର ମା ପୁଣି କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଏହା ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି ମୁଁ, ଯଦି ଅନୁରୋଧ ଆସେ ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର କଳାକୋଟ ପିନ୍ଧିବି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି, ବୋଧହୁଏ ଇଏ ବିରଳ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇକରି ତାର ଦେହର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକିରି ଦେହ କାଟି ଦେଇକରି ମାଂସ ତାକୁ ପୁଣି ପୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଖବର ଆସୁଛି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଥର ତାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁ ଚାରିଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ 5:30 ଏଠୁ ଜଣେ ବସ୍ରେ ଯିବ, ତାକୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦାଲା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଅପହରଣ କରିକରି ନିଆଗଲା ବୋଲିକରି 12-13 ତାରିଖରେ ରାତିରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେବ, କେବଳ ସେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ଏବଂ DIG ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ମାନେ ୟାର ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଥାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମନୀଷ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବହିଷ୍କୃତ କନଷ୍ଟେବଳ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, 5 ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନୀଷ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ସାଉଥ୍ ସିଟି ବାର୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚଳାଉଥିବାରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଏକାଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉରେ 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 6 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରେ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ ଯୁବକ, ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ସ୍କୁଟି ରଖି ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କାହିଁକି ନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ପରେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ଝିଅର ମାଆକୁ କଲେ ଭିଡିଓ କଲ୍। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଶୋଇ ରହିଛି ପୋଲିସ। ବୁଧବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ଥାନା କନିକା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ନିକଟରୁ ନାବାଳିକାକୁ ଏକ ବୋଲେରୋରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆଜି ମାଆକୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଝିଅକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ରହିଛି ପୋଲିସ। ଅପହରଣକୁ ନେଇ ହେମଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା। ସଭାସ୍ଥଳରେ ରାଗିଗଲେ ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାଥୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସଭାରେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହିବାରୁ ବାକି ବିଧାୟକ ଚିଙ୍କି ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀରଞ୍ଜନ, କହିଲେ ମୋ ନାରା ପକାଇବାରୁ ମୁଁ ମାରିଲି ଚାପୁଡ଼ା। ଚିକିତ୍ସାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅବହେଳା, ପ୍ରସବ ପରେ ଭୁଲ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ
श्वाम मुंडा साहिर चिंगुड़ मुंडा स्त्री सस्मिता प्रसव बेतरा होवारु केन्दुझर जिला मुख्य चिकित्सालय को निया सेठारे प्रसव पर डाक्तर भूल स्टिच करिपारु पेटरे प्रबल जंत्रणा होगा सह परिसरा द्वार दे मलत्याग होता पुणी थे हस्पिटाल भर्ती करने से स्टिचिंग त्रुटि थिबा जना पड़ा एवं आउ थे सस्मिता चिकित्सा कर एकाम क्षेत्र में मिली आउ एक मंदिर सुकसारी मंदिर पार्श्वर एक मंदिर भग्नावशेष मिली एएसआई पक्ष यार खनन कार्य चली तेज पूर्व जानुरी एठार अनेक ऐतिहासिक और पुरातन मंदिर थवर अनुमान खनन कार्य चलता पापाग को नहीं किद खनन कार्य बंद रही बर्तमान पुणि थे कार्य आरंभ होता बेले दुई दिन खोदन एक मंदिर मूलद्वा मिली कटक बांके थाना लोकनायक क्लब द्वारा परिचालित शिशु जत्न केन्द्र में अघटन खेलुवा बेले कूर में पड़ 14 वर्ष नाबालक मृत्यु मृत नाबालक बांकी कियापला अंचल प्रतिपुतुली अग्निशम विभाग पक्ष नाबालक को उद्धार कर डाक्तरखाना निया डाक्तर मृत घोषणा कर गंजाम छत्रपुर सहर मछी बजार ठारे एक गाड़ी गुटखा जबत बेआईन चलाण बेले 34 बस्ता गुटखा जबत कला छत्रपुर पुलिस पेट्रोलिंग बेले सन्देह होवु गाड़ी अटकई जांच कर पुलिस जबत गुटखार आनुमानिक मूल्य 3 लाख टंका हो जमापड़ ड्राइवर समेत अन्य जन को अटक रखी तदंत कर पुलिस ब्रेक परे स्वागत स्वप्न आसीगले नागदेवता भयर मंदिर चोरी टंका फेरला चोर खोर्धा चटणी अंचल देखा मिली एभली दृश्य शनिवार राति हरिराजपुर गांव आराध्य तथा प्रसिद्ध बाबा पश्चिमा शंभु सोमनाथ देवों मंदिर दानबाक्स टंका चोरी होता एने मंदिर पक्ष डेला थाना अभियोग होता तेज चोरर मां चोरी टंका फेरस्ता मंदिर परिचालना कमिटर सभ्य मानक अनुरोध करते थाना को आसवा पर पूरा घटना कही चोर चोरी पर नागदेवता स्वप्न आसुवा चोर गैंगस्टर विभु साहू को आक्रमण केन्द्रापड़ा पाटकुरा थाना नुआपड़ा बजार में आक्रमण होता बेले गुरुतर अवस्था विभु को डाक्तरखाना भर्ती करे पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर आक्रमण होता सूचना मिली पुलिस घटनार तदंत कर अर्गसर महाप्रभाव खबर प्रसारण पर तत्पर है बालेश्वर जिला प्रशासन दीर्घ दिन धरी असामाजिक आड्डास्थल पलटिता जिला शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को परिदर्शन कले नीलगिरी उपजिलापाल तहसिलदार और अन्य अधिकारी जिलापाल निर्देश क्रमे तदंत जापाल आसंका जिलापाल तदंत रिपोर्ट प्रदान बालेश्वर सोर उपेन्द्रनाथ महाविद्यालय छात्रों आक्रमण युक्त तीन विज्ञान विभाग शेष वर्षर छात्र फर्म पूरण करुवा बेले से ही कलेजर 6-7 जन छात्र आक्रमण कर थाना लिखित अभियोग कर छात्र कौशिक महापात्र पुलिस आक्रमण कर छात्रों डाकि पचराउचरा कर आईएनएस चिलिका पालिला स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 युद्ध में विजय होता भारत यह युद्ध में विशेषकर नौसेना बाहिनी प्रमुख भूमिका थिला यहाँ स्मरणीय करने भारत सरकार को निर्देश क्रमे नौसेना बाहिनी पक्षर विजय मशाल यात्रा सारा भारतवर्ष बुलुचे ए अवसर में आईएनएस चिलिका पक्षर यह स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा विभिन्न स्थान में पहुंचे धूमधाम पालन कर आज यह मशाल खोर्धा जिलार बाणपुर कॉलेज एवं परे बाणपुर थाना पहुंचा गंजाम खलिकोट ब्लॉक बाड़िया पंचायत में मनरेगा कार्य में महादुर्नीति अंचल कंटरा बंधर पुनरुद्धार पर 10 लाख टंका आसीथिबा बेले काम नक 6,60,000 टंका बिल कर उठा जाइथिबा अभियोग होता लोकों ठारु जॉब कार्ड मागिने टंका उठा जाइथिबा अभियोग होता दीर्घ दिन पर प्रशासन कौन से पदक्षेप ग्रहण नक वीडियो को घेरी बाणिया गांव शताधिक महिला दिनकु दिन राज्य में बढ़ी चली साइबर ठकई एभली ठकई को रोकवाई कमिशनरेट पुलिस पक्ष एक सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित कटक बादामबाड़ी आयोजित एक सचेतनता कार्यक्रम में पुलिस कमिशनर
सौमित्र प्रियदर्शी कटक डीसीपी प्रतीक सिंह समेत बहु वरिष्ठ नागरिक मैंने जोग देते। आम सब कहूँ जे साइबर क्राइम गोटे बॉर्डरलेस कंटाक्टलेस क्राइम यार डिटेक्शनटा सब मोर चैलेंजिंग आम जो कहूँ प्रिभेनसन इज बेटर देन क्योर से साइबर क्राइम केस सब बेस प्रजोज्य आम जहाँ देखुचु मु तो आडिशनाली क्राइम हिसाब से भी देखी साइबर क्राइम सहित तो लड़ेवाक सचेतनता बढ़ेगा पड़ो यो साइबर सेफ्टी मंथ अक्टोबर मसने हमारा चली था से परिप्रेक्षी में आम कटक सहर में विशेषकर सीनियर सिटीजन मान को फोकस करी अनेक मीटिंग करीचु विशेषकर ये मीटिंग रो उद्देश्य है जे किभलिया नॉर्मल ठकई होउची ओ नॉर्मल ठकईर शिकार होउचंती विशेषकर सीनियर सिटीजन माने होउचंती कैना टेक्नोलॉजी गोटे जिनस सहित हे तो अनेक सीनियर सिटीजन ताल दे चली पारती तेणु यही समय यही विषय ठकामी में जमती न पड़ू से विषय सचेतन करवा आमर पुलिस पक्षर से बड़ पदक्षेप नि डीसीपी कटक प्रत्यक्ष तत्वावधान में एमती अनेक कार्यक्रम आम कटक करूँ ए कार्यक्रम आगामी दिन में भी रही जो कथी कहले सत्व भी लोक ठकी जा सचेतनता बढ़े ही ठकामी कमे। मयूरभंज बड़साही गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अधीन साकुआ स्वास्थ्य केन्द्र में कंप्यूटर गृह कंप्यूटर एवं इन्वर्टर चोरी घटना को बीतला चारिदिन एपर्यंत कौन पदक्षेप नेलानी पुलिस पुलिस निष्क्रियता प्रतिपाद में देखादी उत्तेजना संधानी कुकुर गांव हेमंत पारिकों घर पशिवा पर हेमंत को कहीं गिरफ्त कराए प्रश्न कर ग्रामवासी। पंचायत निर्वाचन नहीं राज्य निर्वाचन कमिशन आदित्य पाढ़ी सूचना 2022 रे हेबो पंचायत निर्वाचन से राज्य निर्वाचन कमिशन तत्वावधान में प्रस्तुति जारी रही केन्द्र निर्वाचन कमिशन जनवरी 1, 2021 सुधा भोटर लिस्ट प्रदान कर सारी भोटर तालिका संशोधन होगा पूर्व आसंता 6 तारीख में सर्वदलीय बैठक डक सर्वदलीय बैठक में भोटर तालिका संशोधन नहीं आलोचना हो धार्य तारीख अनुसार जिला संरक्षण तालिका प्रदान करें राज्य निर्वाचन कमिशन आसंता 2022 मसीह पंचायत निर्वाचन आमर करने शेड्यूल कर प्रस्तुतिकरण जो हम से राज्य निर्वाचन कमिशन तत्वावधान वोटर तालिका प्रस्तुत करा निमंते जो डिस्कशन करने आमे पॉलिटिकल पार्टी मान को डिस्कशन बैठक गोटे अनुषित हम यह 6 तारीख दिन 11टा बेले केंद्रीय निर्वाचन कमिशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आमको वोटर तालिका दिखती 1-1-2021 दिन जोटा से माने प्रिपेयर करछंती तालिका को आम अपडेट कर एवं वार्ड वाइज ताकू अरेंज करके प्रिपेयर करूँ से आम प्रोसीजर तो निर्वाचन कमिशन आमको से तालिका दे सारी 1-1-2021 आम पॉलिटिकल पार्टी मान सहित डिस्कशन कलापर तापर आम प्रोग्रामा एनाउंस करूँ जो अनुसार यही रिविजनटा कर इलेक्ट्रोल रोल रिविजन जोटा हम से डिस्कशन कलापर आम एनाउंस कर सीटीए जमी केलेंकारी मामलें हाइकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय कटक विद्याधरपुर मौचार 112 एकर सरकारी जमी को निजर दर्शाई क्षतिपूरण नहीं व्यक्ति क्षतिपूरण राशि आदाय करने कोर्ट का निर्देश यहसह जमीर मालिकाना और क्षतिपूरण को नहीं दायर समस्त मामला को खारज कर हाइकोर्ट किसी लोक चंचकता कर क्षतिपूरण नहीं जाते आउ किसी लोक क्षतिपूरण राशि वृद्धि करने मामला दायर करे कोर्ट सब मामला को खारज कर पद्म फूल तोला काल फूल तोलाक पोखरी में पशिता बेले पोखरी में बुड़गला जुवर यह अभावन घटना घटी सुंदरगढ़ जिला तलसरा थाना सबटेका गांव तलपड़े ग्रामर रेवंत भोई गाधवाक जाता बेले पोखरी पद्म फूल तोलाक भरको जाते मात्र सेठार आउ बाहरी पार फल पोखरी में बुड़ जाते आज सका गां पोखरी रेवंत मृतदेह उधार बांगरीबसी थाना अंतर्गत सिमला निकट में जघन्य हत्याकांड घरोई कली को केन्द्र कर निज काका को हाणी हत्या करी पुतरा गत बुधवार दिन काका माठ मुंडा और पुतरा डोरा मुंडा भितर बचसा होता निशाशक्त अवस्था थोरा हठात उत्क्षिप्त हो
ମାଠ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମାଠ ମୁଣ୍ଡାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଖୁଡ଼ି କଟି ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଗ୍ରିପୋଷି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଏନ୍ଟିପିସି ଗଡ଼ିହା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାରାଦୀପ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 29 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଖଣି ଏବଂ କୋଇଲା ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିକାରୀ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡର 7ଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗୁଣୁପୁର ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିକାରୀ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ରବିଶଙ୍କର ଗମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ଫା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି 42ତମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଇମ୍ଫା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପାରମିତା ପଟ୍ଟା। ଲେଖୁନଥିଲେ ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ହୁଏତ ସଂସାରର ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସ୍ଥୂଳ କଥାରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ଲେଖିବା ମୋତେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିଛି, ମୋତେ ଅନୁଭବ ମୋର ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ ଓ ମାର୍ମିକ କରିଛି। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଓ ହୃଦୟର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି ସଜାଗ କରିଛି। ଲେଖିବା ମୋତେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ କରିଛି, ଆବିଷ୍ଟ କରିଛି ଓ ମୋତେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ମଣିଷ କରି ତିଆରି କରିଚାଲିଛି। ଲେଖନ ପ୍ରତି ମୁଁ ତେଣୁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବୁଧବାର ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ସମେତ 35 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ହକି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହି ଦାସ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମନଦୀପ ସିଂ, ଲଲିତ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ବରୁଣ କୁମାର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁଟର ସିଂହରାଜ ଆଧନା, ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସୁହାସ ଯଥିରାଜ, ସଟଲର ଭାବିନା ବେନ୍ ପଟେଲଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।